अल्लाह ताला की दी हुई जारी शक्ल सूरत के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के अपने हाथ में हैं। जैसे कि हीरा या सोना जब जेर जमीन निकलता है तो वो बिल्कुल अपनी असली हालत में होता है। ये इंसान ही है जो उसको तराश खराश कर उसको खूबसूरत, महंगा और जेर इस्तेमाल ला सकता है। जिस तरह एक मर्द चाहता है कि औरतें सजी सवरी रहें, बनी सवरी रहें और उनको अट्रैक्ट करें, इसी तरह औरतों का भी दिल चाहता है कि उनके मर्द दिखने में अच्छे लगें और चार बंदों में जब वो दिखें तो हर बंदा उनकी तारीफ करे। आज मैं आपको 7 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिनको अपनाकर आप हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं और आपकी औरतें भी आपकी तारीफ करेंगी और खुश रहेंगी आपसे। टिप नंबर 1 है कि अपने आप को साफ सुथरा रखना, नहाने धोने का खास ख्याल रखना और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मर्द काम से आए तो पसीने वगैरह जाहिर सी बातें आए हुए होते हैं, तो ज़रूर उनको नहाने का एहतमाम करना चाहिए। नंबर 2 कि अपनी पर्सनल हाइजीन में ब्रशिंग का खास ख्याल रखें। मुंह से बदबू आना और बुरी स्मेल करना बहुत मायूस दिखता है और इस तरह बंदा बात करने से पहले ही उसकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। जो भी आप बात करते हैं अल्फाज से ज़्यादा पहले उसकी ज़ाहरी शक्ल यानी कि आपके मुंह के एक्सप्रेशन से ही आपका अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं और आपकी बात में कितना दम है। ब्रशिंग करने के बाद माउथ वॉश का इस्तेमाल भी बेहतर रहता है, या कम अज़ कम रात को सोने से पहले ज़रूर कर लें। इसके अलावा आजकल मार्केट में माउथ स्प्रेज भी अच्छे ब्रांड्स के आए हुए हैं, अगर ये भी एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो आप कोई भी सौंफ या इलायची वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप फ्रेश फील कर सकें। सबसे मेन और ज़रूरी बात है कि अपनी हेयर ट्रिमिंग का ज़रूर ख्याल रखें। हर महीने के महीने या जब भी ज़रूरत पड़े तो अपने बाल ज़रूर कटवाएं, ट्रिम ज़रूर करते रखें, और जिनकी दाढ़ी है या मस्टैच या मूछें वगैरह हैं तो वो भी इनकी सफाई का और उनको बना सवरा के रखें, इनको कॉम सही से करें, ब्रश वगैरह करें, शैम्पू वगैरह करें। पर्सनल हाइजीन में नेल कटिंग का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अक्सर मैंने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जिनके नाखून भी बड़े हुए होते हैं और गंदगी और मैल से भरे हुए होते हैं। एक तो इनके साथ खाने से भी किरायत आती है और वैसे भी देखकर गंदा लगता है। वीक में एक दिन या जुम्मे के दिन आप अपना तरतीब बना लें कि अपने नेल्स वगैरह कट किया करें, एक कागज़ के अंदर ज़रूर अपने नेल्स काटें। इस तरह से सफाई का एहसास भी होगा, आपके बच्चे भी आपको देखकर अच्छी बातें सीखेंगे। और जुम्मे के जुम्मे नेल कट करने से आपको सवाब भी मिलेगा और सुन्नत भी पूरी होती रहेगी। 5वां ज़रूरी पॉइंट है कि एक अच्छा मर्द अच्छा स्मेल करते हुए ही अच्छा लगता है। एक जेंटलमैन की खूबी है कि इसमें से अच्छी खुशबू आ रही हो। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे ब्रांडेड परफ्यूम्स का इस्तेमाल करें, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं कम से कम बॉडी स्प्रे या डिओड्रेंट का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। काम से या ऑफिस से जब भी आप थके हारे आएँ तो कोशिश करें कि अपने बैग में, अपनी गाड़ी में या जहाँ पे भी आपके ड्रॉज वगैरह हों ऑफिस में, एक कोई छोटा परफ्यूम या बॉडी स्प्रे, या आजकल बहुत छोटे छोटे पॉकेट परफ्यूम आए हुए हैं जो बजट फ्रेंडली हैं और कहीं भी कैरी कर सकते हैं आसानी के साथ। ड्रेसिंग का ताल्लुक ज़रूरी नहीं ब्रांडेड और महंगे कपड़ों से ही है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अच्छा दिखने के लिए आपको ब्रांडेड कपड़े या बहुत महंगे कपड़ों की ज़रूरत है। आप सादा और सिंपल कपड़ों में भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। आपने जो कुछ भी पहना हो उसको अच्छा सा प्रेस हुआ हुआ, इस्त्री हुआ हुआ होना और साफ सुथरा होना ही काफ़ी है। सबसे लास्ट और ज़रूरी बात, एक औरत आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती है। तारीफ आप उसके हुस्न की भी कर सकते हैं और उसके कामों की भी कर सकते हैं। एक प्यार के 2 मीठे बोल आपकी ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बना सकते हैं। जो मर्द इसमें कंजूसी जाहिर करते हैं और अपनी फीलिंग्स का इजहार अपनी औरतों से नहीं करते, वो अक्सर अपनी घरेलू ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। ये चंद चीज़ें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार कर सकते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों की ये छोटी छोटी बातों पर इनकी तारीफ और सराहने से आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार हो जाएगी और आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर आप अच्छे जेंटलमैन बन सकते हैं। अगर ये टिप्स आपको पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा।